हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और एक बात सुन लो बच्चों, तुम पूरी दुनिया फ्लाइट पे घूम सकते हो, लेकिन कभी भी पैसिफिक ओशन के ऊपर से नहीं उड़ सकते। लेकिन साला क्यों? और अब एक और एक विशेष टिप्पणी दूं, इधर लाओ कान कर, बिलियनर बन सकते हो। मैं कब हो गया ये? अपना नहीं रे, डीएल का, हिरण का। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, आगे बताने वाला इसके बारे में काफी डिटेल में। लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या तुम्हें बताया कि रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड को ऑयस्टर्स और शेल फिशेस खाना बिल्कुल मना है, लेकिन ये सब चोच ले क्यों? Well, अब मुझे बताओ, क्या तुम लोग ने ये नोटिस किया है कि अमेज़न ने अपना लोगो चेंज किया है? Yes, अगर किया है तो वेरी गुड। लेकिन क्या तुम्हें बताया कि ये लोगो चेंज क्यों हुआ? और उससे पहले जरा देखो, इसमें आपको किसी की शक्ल दिखाई दे रही होगी। नहीं दिखी? डोंट वरी, पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आगे आपको दिखाई देने वाली है। सो लेट्स गेट ऑन विद टुडेज फैक्ट की बातें। नंबर वन, डियर यूरिन फार्मिंग। अब यारो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप सिर्फ डियर का सूसू बेच के बिलियनर बन सकते हो, पर आखिर कैसे? Well, अभी बताऊंगा ना बेटू। तो चलो अपनी कनपट्टी के अंदर की चिड़िया उड़ा के आगे का ज्ञान सुनो। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में डियर यूरिन ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, क्योंकि वहाँ पर डियर्स तो ठहरे बुद्धिशाली प्राणी, वो शिकारियों को बहुत ही आराम से भाप लेते हैं, और इसीलिए वहाँ पर काफी सारे लोग डियर यूरिन की फार्मिंग करते हैं। जहाँ लोग डियर्स को पालते हैं, उनका यूरिन कलेक्ट करते हैं, उसे डिस्टिल करके उसका सेंट बनाते हैं, और फिर जब हंट करने जाते हैं तब अपनी बॉडी पे, अपने वेपन्स पे, आजू बाजू की झाड़ियों में वो सेंट छिड़क देते हैं, और इससे जैसे आप समझ गए, डियर्स को भनक तक नहीं। और फोर्ब्स के अनुसार डियर यूरिन इंडस्ट्री सालाना 131 करोड़ छाप लेती है इसी काम से। नंबर टू, जापानीज रेस्टोरेंट बैनर्स। क्या आपको पता है अपने जापानी भाई बिलबोर्ड्स की जगह पे ये क्लॉथ मेड बैनर्स लगाते हैं? पर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ ना। वेल, द रियल रीजन इज क्योंकि हमारे जापानी भाइयों की बात ही निराली होती है। इनका ये मानना है कि जितनी पुरानी फटी और गंदी बैनर, वहाँ का उतना अच्छा खाना। Yes, इसके पीछे का ये लॉजिक है कि जब लोग इन रेस्टोरेंट्स में आते हैं, उनको खाना अच्छा लगता है, तब वो ये बैनर्स को टच करते हैं, एंड ग्रेजुअली जब काफी लोग बैनर को टच कर चुके होते हैं, वो बैनर तो गंदे होंगे ही ना। ये बताता है कि रेस्टोरेंट काफी पुराना, काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी सारे लोगों के दिल पे राज करने वाला रेस्टोरेंट है। गंदे बैनर्स वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, क्योंकि एज यू नो, जापान में जितना गंदा बैनर उतना अच्छा खाना। नंबर थ्री, प्लास्टिक नोट्स। अब यारो, कभी प्लास्टिक से बना हुआ पैसा देखा है? मोनोपोली के गेम को छोड़कर, हाँ, असली वाला पैसा जिसकी असली कीमत होती है। Well, इसे बनाती है कनाडा की गवर्नमेंट, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि प्लास्टिक मनी जल्दी खराब नहीं होता, वाटरप्रूफ होती है, और ये बैक्टीरिया फ्री तक होता है, क्योंकि जर्म्स इनके सरफेस में घुस नहीं सकते, और इसे बार बार पेपर मनी जैसे प्रिंट भी नहीं करना पड़ता है, तो मेहनत भी कम और पेपर की भी बचत। Well, ये सुन के तो मैं भी काफी कन्विंस हो चुका हूँ प्लास्टिक मनी। काश हमारे इधर भी ऐसा होता। मम्मी ने मेरे जितने पैसे धोए हैं ना, सारे बच जाते। नंबर फोर, नहाने से पहले नहाना। So, भाई लोग, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपने जापानी भाई बंधु की तो बात ही निराली, वो अच्छे से रगड़ रगड़ कर निकालते हैं। और सेकेंड बारी नहाना बोले तो हॉट टब में गर्मा गर्म पानी में एसेंशियल ऑयल्स और बाथ सॉल्ट्स के साथ नहाना, रिलैक्स करते हुए, अपने बॉडी को रिजुविनेट करते हुए, और वो भी फॉर आवर्स। लोग सच्ची में ऐसा करते भी है, वो रोज 1 से 2 घंटे के लिए नहाते हैं फॉर देयर बॉडी। एंड ये सोच के तो मुझे भी पहले बिलीव नहीं होता, कितनी बिजी कंट्री है फिर भी टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो साला हमने 5 मिनट ज्यादा शावर ले लिया तो आधा घंटा ऑफिस में लेट हो जाते हैं। लेट क्यों आयो? गलती से पुराने ऑफिस चला गया सर, बाइक पंचर हो गई थी, मेट्रो लेट हो गई थी, कैब लेट हो गई थी सर, गाड़ी लेट हो गई थी। 1-2 घंटा नहाना बोले तो गजब। नंबर 5, शेल फूड, नो थैंक्स। इंग्लैंड की रॉयल फैमिली के पास छप्पड़ फाड़ पैसे हो, ऐसा भी क्या है इन शेल फूड्स लाइक ऑयस्टर्स, मसल्स एटसेट्रा में, जो इनके खाने के रूल बुक में शेल फूड्स ही फॉरबिडन है। Well, क्या आपको बताया, अगर शेल फूड्स को अच्छे से क्लीन नहीं किया गया या ढंग से नहीं परोसा गया, तो वो इंसान के पेट के लिए हाईली पॉइजनस हो सकता है। और भाई ये बताओ, अगर कोई भी बोलेगा कि भैया आज रॉयल फैमिली का हाजमा खराब है ऑयस्टर खाने की वजह से, और इसीलिए वो आज काम पे नहीं आ पाएंगे, तो सुनने में कैसा लगेगा? और इसीलिए रॉयल फैमिली वालों ने खुद से ही बैन कर दिया शेल फिशेस को खाना, इससे पहले कि ऐसी कोई बेइज्जती हो जाए या वो अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रॉयल फैमिली वालों के लिए गार्लिक और रेयर मीट भी खाना नॉट अलाउड है। फंडा बिल्कुल सिंपल है, रहो हल्के, जियो खुल के। नंबर 6, ओरिजिनल बर्गर किंग। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा फेमस बर्गर किंग ओरिजिनल नहीं है। इस रेस्टोरेंट को जीन होट्स ने यूएस में मैटोन, इलिनॉय में स्टार्ट किया था, जिनके पास उनके नाम का स्टेट ट्रेडमार्क था। पर जब अपना नकली वाला बर्गर किंग फ्रेंचाइजी के साथ कोर्ट में उतरा, तब वो केस जीत गया और उसे फेडरल ट्रेडमार्क मिल गया।
मतलब बर्गर किंग ये नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यूज कर सकता है, पर ओरिजिनल वाले के साथ भी गवर्नमेंट ने कोई अन्याय नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ओरिजिनल बर्गर किंग के 32 किलोमीटर के रेडियस में नकली वाला बर्गर किंग उसका एक भी ब्रांच नहीं खोल सकता। और ये शायद यही बताता है जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो अन्याय हुआ। नंबर 7, टाउन बिना कार के। अब फ्रेंड्स क्या होगा अगर हम पूरे टाउन में कार्स ही बैन कर दे, मतलब टाउन के अंदर कोई कार्स लेकर ही नहीं आ सकता है। मजाक लग रहा है ना, लेकिन मैकिनैक आइलैंड इन मिशिगन वहाँ कार्स आज भी बैंड है लिटरली। और ऐसा इसीलिए क्योंकि 1890s में टूरिस्ट जब कार लेके वहाँ पे आते थे तब वो वहाँ रहने वाले लोगों के हॉर्सेस को और इंसानों को नॉइस पोल्यूशन बढ़ा के परेशान किया करते थे, जो उनसे सहा नहीं गया। और वहाँ वाले सारे लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि इस टाउन के अंदर कोई भी कार हम नहीं आने देंगे। पर फिर जब एक चुल वाले टूरिस्ट ने 1923 में जबरदस्ती कार को टाउन के अंदर लाने की कोशिश की, तब जो उनका दिमाग थनका और अपने टाउन से कार्स ही उन्होंने बैन कर दिया, ये बैन लागू किया है। नंबर 8, फिश विथ ब्लू फ्लैश। अब हम लोग ऐसी मच्छी तो सभी ने खाई होगी, पर क्या आपने कभी ऐसी मच्छी खाई है? ये बिल्कुल ट्रू इमेज है लिंकॉट फिश का, जिसके फ्लैश का कलर सच्ची मुच्छी ब्लू होता है, क्योंकि इसके ब्लड स्ट्रीम में बाइल पिगमेंट्स जिसका कलर ब्लू होता है वो अत्यधिक रूप में मौजूद होता है। और हाँ, एक चेतावनी, अगर ये तुम्हें कभी भी कहीं भी खाने के लिए मिलेगी तो इसे जरूर खाना, क्योंकि ये खाने में सेफ और डिलीशियस होता है। आपको क्या लगा? और कुक करने के बाद इसका कलर नॉर्मल मछली जैसे ही हो जाता है, नॉर्मल सिंपल कॉमन। नंबर 9, नेपोलियन स्टाइल। ये है हमारी हिस्टोरिक बुक के एक कैंडिडेट नेपोलियन बोनापार्टे, जिनके पोर्ट्रेट्स में उन्हें हमेशा अपने टमी सहलाते हुए देखा गया है। कितना अजीब लगता है ना। वेल, इस अनोखे स्टाइल की फोटो के पीछे काफी सारी स्टोरीज है, जैसे कि उन्हें स्टमक कैंसर था, या उनका पहना हुआ कपड़ा उन्हें इरिटेटिंग मटेरियल का लगता था, या इनकी कोई लड़ाई में हैंड डिसफिगर हो गया था, और मे बी ये जेन्युइनली उनका एक पोज, उनका एक स्वैग था। लेकिन जहां तक पता चला हमारे पुराने सूत्रों के मुताबिक, ये पोज 1700s में इंग्लिश और कॉलोनियल अमेरिकन के बीच ज्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि ये स्टाइल इनको बोल्ड और पावरफुल दिखाता है। और नेपोलियन, जो कि इतने अच्छे राजा थे और इतने डोमिनेटिंग और बोल्ड थे, वो कैसे पीछे हट सकते हैं इस पोज को ना अपना के, और इसीलिए इन्होंने अपनी सारी पोर्ट्रेट्स में एक ही पोज रखा है। नंबर 10, ब्लड सिकल्स। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा टाइगर है और ये जू है और ये पौड़ी हो रही है। फॉरेन कंट्रीज के जू में ये पौड़ी समर में होती रहती है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गर्मी के टाइम जब टेम्परेचर को 30 से 40 डिग्रीज पे पहुंच जाता है, तब इन एनिमल्स को बड़े बड़े ब्लड के आइस ब्लॉक्स दिए जाते हैं, जैसे हम इंसान आइसक्रीम्स खाते हैं, जो इन्हें हेड टू टो तक ठंडा कर देता है। और फिर क्या, ये सब मिलके पौड़ी करते हैं। नंबर 11, Amazon's लोगो। अब यारो, क्या आप में से किसी ने भी फिलहाल में Amazon के लोगो को ऐसे से ऐसे चेंज होते हुए नोटिस किया है? अगर नोटिस किया है तुमने, तो इस लोगो को रातों रात इतना जल्दी क्यों चेंज किया गया है? इसके पिछू छुपा खौफनाक से भी खौफनाक वाला चुलबुला सच छुपा है, और चुलबुले से मेरा मतलब है, जरा ये देखो, दिखा कुछ सिमिलर, मोस्टैच फेमिलियर लगी? बिल्कुल, Amazon ने जब पुराना लोगो लॉन्च किया था, वो सोशल मीडिया की एक हॉट टॉपिक बन गई थी। वो ब्लू टूथब्रश मोस्टैच बनाई गई थी विद Amazon's लोगो स्माइल, वो हिटलर के फेशियल फीचर्स से मैच कर रही थी। अब आपको पता ही होगा हिटलर कौन था, कैसा आदमी था, वो पता रहेगा तुमको। ये देख के भाई कि इससे पहले बेमतलब का लफड़ा हो, Amazon वालों ने चलाकी से कस्टमर फीडबैक को ध्यान में रखते हुए लोगो ही चेंज कर डाला, प्रॉब्लम खत्म कर डाली। ऐसे ही पैसा नहीं छाप रहे Amazon, दिमाग भी है उसके पास। नंबर 12, नो प्लेन्स ओवर पैसिफिक। या फिर कभी भी कोई पायलट पैसिफिक ओशन के ऊपर से प्लेन उड़ाने की हिम्मत नहीं करता है। पर ऐसा क्यों, ये सोच रहे हो ना? तो यार, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है जो हमने स्कूल टाइम्स में भी बहुत बार पढ़ा था। पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन, जिसमें जमीन का कोई भी कहीं भी नामो निशानी नहीं है। नो पीस ऑफ लैंड इन मिड्स ऑफ द ओशन, मतलब मान लो कभी भी कोई प्लेन वहां से उड़ के जाती है और गलती से ना चाहते हुए भी कोई इमरजेंसी आ गई, तो प्लेन पानी में लैंडिंग थोड़ी ना। मांस आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ओवर पैसिफिक ओशन, वो कुछ ऐसा रूट ढूंढ के निकाल लेते हैं जो सेफ एंड सिक्योर हो, जिसमें इमरजेंसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो। सो भालोग, अब तुम ज्ञान के समुंदर में जो डूब चुके हो, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताना, ये कौन सा गाना है? इंटरेस्टिंग सवाल है। वेल, अगर तुम्हें बताया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे वो गाने का नाम लिख के बताना, और अगर जवाब सही रहेगा तो मैं एक हार्ट तुम्हें दूंगा।
अगर वीडियो देखकर मजा आया तो एक लाइक जरूर ठोकना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, वरना तुम्हारे टाउन में भी मैं कार्स बैन करा दूंगा। चलो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।